यहाँ लोकसभा में डॉक्टर महेश शर्मा जी वो प्रस्ताव का अनुमोदक रहे और बीरेंद्र सिंह जी उसका समर्थक रहे, मोअर और सेकेंडर, और राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद जी उसका मोअर रहे, और हमारे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे उसको सेकेंड किया। हम सोचा था 8 घंटे का बहस करवाने के लिए लोकसभा में, लेकिन कुल मिलाकर के 11.5 घंटे का बहस हो गया, और वहाँ राज्यसभा में लगातार 3 दिन तक उसके बारे में बहस चलता रही, और दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जवाब भी दिया। इसके साथ माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद, उसके बारे बहस के बाद बजट का भी प्रस्ताव हो गया था। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, वो बजट के ऊपर भी दोनों सदनों में चर्चा हो गई। लोकसभा में 11 घंटे से ज़्यादा चर्चा हो करके, क्योंकि 8 घंटे हमने समय तय किया था, उसका रिप्लाई माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली अभी अभी दे चुके हैं, और राज्यसभा में वो चर्चा शुरू है, और जब 5 बजे अर्जन हुआ तब तपन सेन जी ऑन लेग्स, यानी वो उनका अधूरा बहस रहा। इसके अलावा इस सत्र में 5 बिल्स को, 5 विधेयकों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। द फाइनेंस बिल 2017, द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2017, द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन एंड लायबिलिटीज बिल 2017, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2017। इन 5 बिल इंट्रोडक्शन करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के द पेमेंट ऑफ, दोनों सदनों में द पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल पारित हो गया है, और लोकसभा में द स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन एंड लायबिलिटीज बिल, जिसको आप डिनोमिनेशन बिल भी कह सकते हो, वो भी लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा में रिपोर्ट हो चुकी है, वो मनी बिल है। और हमारा दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। वो आप कहाँ गए थे? गडकरी का फोन आ गया। अच्छा, 9 मार्च से हमारे चीफ व्हिप राकेश सिंह जी लोकसभा में, 9 मार्च से शुरू होगा। 9 मार्च से 12 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा, और उम्मीद करते हैं जैसे सार्थक चर्चा हमने पहले चरण में किया है वैसे ही सहयोग मिलेगा, और सार्थक चर्चा हम वहाँ भी करेंगे। और चर्चा में जो कुछ विषय आप सबके सामने आया है वो सारे आपके सामने हैं, और वो आप प्रकाशित भी कर चुके हैं। हमने सोचा, हमने माननीय अहलुवालिया जी ने सोचा, यानी हर सत्र के बाद, हर चरण के बाद एक बार आप सबके साथ चाय वाय हो जाए और ऐसे आदान प्रदान हो जाए, क्योंकि आखिर में क्या होता है, विभिन्न इश्यूज लेकर के जीरो ओवर में, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, बजट में, उसके ऊपर जो चर्चाएं होते हैं, इनिशिएटिव
इनिशिएट करते हैं या जॉब देते हैं, वो सब चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन आम जनता के मन में क्या हमारे देश के महापंचायत पार्लियामेंट ये कैसे चल रही है, कितना चर्चा कर रही है और कितना घंटा ये चर्चा कर रही है, सार्थक चर्चा कर रही है नहीं कर रही है, ये सारे चीज़ों के बारे में भी सुनने का और उसको पढ़ने का एक कौतुक एक कुतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है। इसलिए हमने समझा ये सारे विषय भी एक बार आपके सामने आ जाए। मैं एक रख दूँ विषय वो एक मिनट आप बोलने से पहले मैं निवेदन करूँगा, इसमें और कुछ कई चीज़ें जोड़ना है, कई विषयों को आपके सामने रखना है। मेरे साथ ही माननीय अहलूवालिया जी से मैं प्रार्थना करूँगा, वो आपको थोड़ा बहुत बता दें। एक मिनट नहीं ठीक है ना, ये चाहिए ना, ठीक है ना, कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि जो लोग भी पार्लियामेंट कवर करते हैं उनको पता होगा कि ये जो दो भागों में बटा रहता है, तो पहले वाले भाग में 31 तारीख से लेकर जो 9 तक चला, ये पहला सत्र जो है इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ, जो ऑर्डिनेंस थे उस पर कार्रवाई हुई और बजट पेश हुआ और बजट लोकसभा में चर्चा हो गया, किंतु इसके बाद जितने डिमांड हैं, ग्रांट्स हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी को जाएंगे और वहाँ चर्चा होके आएंगे। पर चूंकि इतने विभाग रहते हैं, सारे विभागों के ग्रांट्स सदन में चर्चा नहीं हो सकते, क्योंकि 9 मार्च को खुलेगा और 12 अप्रैल तक सदन चलेगा, तो उसके पहले हम लोग कुछ विभाग चुन लेते हैं बीएसई में सबकी सहमति से कि कौन कौन से विभाग हम चर्चा करेंगे, उसका माइनॉरिटी स्क्रूटनी होगा। तो उसमें लोकसभा में हमने गृह मंत्रालय, रेलवे, रक्षा मंत्रालय, कोयला और कृषि, ये 5 विभाग चुने, ये 5 डिपार्टमेंट पर चर्चा होगी। और राज्यसभा में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पर्सनल, रेलवेज और MSME, ये 4 विभाग चुने गए, तो इन पर सघन चर्चा हो जाएगी और वो मंत्री उसका जवाब दे देंगे जिन जिन विभागों के हैं, और उसके बाद समग्र चर्चा करके बजट पास होगा। उसी के साथ फिर फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी और फाइनेंस बिल पास किया जाएगा, और जो विधेयक अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो पास करेंगे, और कुछ नए आएंगे उस काल में तो उस पर विचार करेंगे। यही बताना था, धन्यवाद। देखिए आज भी दोनों सदन चली है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी चले, यानी ये सारे टोका टोकी है ना, वो सदन में चलता रहेगा, ये आदान प्रदान होता रहेगा और पिछले 70 साल से हो ही रहा है। और जब हम बोलते हैं उसमें कटाक्ष भी होगा और बाकी सब चीज़ें होंगे, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उन्होंने डॉक्टर साहब का प्रशंसा भी किया है और
यूपीए के उस कार्यकाल के बारे में अपना कटाक्ष भी किया है, दोनों साथ में किया है, वो सब चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं ये सब समझ लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे।